बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नगर परिषद कार्यालय में नप अध्यक्ष दिनेश यादव ने बैंकर्स के साथ की बैठक। शहरी बेरोजगारों को लोन देने का लिया गया निर्णय। दिसंबर में लगेगा रोजगार मेला। सरिया ब्लास्टिंग घटना पर शोक जताने वालों का तांता जारी। विधायक निर्भय शाहबादी समेत कई ने की घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग। मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की लगाई गुहार। बसेड़िया गांव में विधायक निर्भय शाहबादी ने किया पुलिया का शिलान्यास। 10 लाख की लागत से बनेगी पुलिया। शिलान्यास से ग्रामीणों में भारी खुशी। और कुटिया मंदिर में धूमधाम से जारी है सीताराम विवाह उत्सव। तीसरे दिन अखंड रामायण पाठ किया गया प्रारंभ। वातावरण हुआ भक्तिमय। जरूरतमंदों को लोन दिलाने के उद्देश्य से नगर परिषद के सभागार में बैंकर्स के साथ बोर्ड सदस्यों की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में तमाम बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। नगर पार्षद के सभागार में बुधवार को नव अध्यक्ष दिनेश यादव के साथ विभिन्न बैंकों के मैनेजर व जन प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई। बैठक में शहरी बेरोजगारों को लोन देने का निर्णय लिया गया। इस बाबत दिसंबर में यहां एक रोजगार मेला आयोजन करने का निर्णय लिया गया। बैठक में सिटी मिशन मैनेजर राकेश कुमार, विकास कुमार आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। पहली बात ऐसे भी दो लाख तक वही बोल रहे थे जब आप लोग इसी माध्यम से आप लोग चाहें तो अपना टारगेट भी जो है छोटा छोटा भी लोन दे के अपना टारगेट भी अचीव कर सकते हैं। युवक युवती जो हमारे यहाँ प्रशिक्षण लिए हैं और उनको रोजगार मुहैया कराना, उसी के तहत हम लोग रोजगार मेला पूर्व में किए थे और अब हम लोग ऋण मेला करने जा रहे हैं, जिससे जो हमारी भाई बहन हैं जो हमारे यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं या शहरी क्षेत्र के बेरोजगार हैं उनको कैसे रोजगार से जोड़ा जाए, उनको कैसे सुविधा उपलब्ध कराया जाए, उसी के तहत हम लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी हमारे सामने शहरी क्षेत्र के तमाम भाई बहनों से हम लोगों ने आग्रह किया था कि जो बेरोजगार हैं वो अपना आवेदन दें। उनके माध्यम से लगभग 400 आवेदन हमें प्राप्त हुआ है। जो रोजगार करना चाहता है उनको ऋण की आवश्यकता है, उसी के लिए आज हम लोग गिरिडीह शहरी क्षेत्र के तमाम 26 बैंकों के बैंक मैनेजर साहब लोगों के संग हम लोग बैठक कर रहे हैं। उन लोगों ने पूरा आश्वस्त किया है कि हम आपके साथ हैं, आपका सहयोग करेंगे। शहरी क्षेत्र के नौजवान को आपको रोजगार मुहैया कराना है और हम सब बैंकर आपके साथ हैं और मैं आशा करते हैं आने वाले दिसंबर के फर्स्ट वीक में या हम दिसंबर नवंबर के लास्ट वीक में हम लोग डेट निर्धारित कर रहे हैं, उस डेट में हम लोग ऋण मेला लगाएंगे। बैठक के बाद नप अध्यक्ष दिनेश यादव ने प्रेस वार्ता कर बताया कि नगर निगम क्षेत्र में आने वाले लोगों को पीएम आवास योजना, निशुल्क पानी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन आदि दिए जाएंगे। साथ ही आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि की सुविधा भी दी जाएगी। हम लोगों ने कहा हमेशा लोगों से ये बात बीच में रखा था कि शहरी क्षेत्र में जो व्यक्ति नगर निकाय क्षेत्र में आते हैं जितने पंचायत के लोग, उनको हमेशा भय सता रहा था कि हमें खाली टैक्स को लिया जाएगा लेकिन सुविधाएं क्या मिलेगी। तो हम लोगों ने कहा था कि नगर निकाय के रूप में जब आप नगर निगम में आओगे, जब तक नगर परिषद पूर्ण रूप से सारी सुविधाएं नहीं उपलब्ध करा देती है तब तक किसी प्रकार को का कर आपसे नहीं लिया जाएगा। और उसी के तहत हम लोगों ने कार्य करना शुरू किया और उसी के तहत हम लोग जिस प्रकार शहरी क्षेत्र के तमाम लोगों को जो सुविधा उपलब्ध है, जैसे यहाँ पर आवास का हो, शौचालय हो, रोड नाले का सुविधा हो, शहरी क्षेत्र के बेरोजगार युवक युवतियों को प्रशिक्षण का हो, उनकी प्लेसमेंट की बात हो, हम लोगों ने प्रयास किया कि हर शहरी क्षेत्र में जो व्यक्ति रहने वाले हैं उनको हर वो सुविधा मिलना हम लोग को मुहैया कराना है जो अन्य बड़े शहरों में जो सुविधा उपलब्ध है। उसी के तहत हम लोग काम किया और सब लोगों को सुविधा मिल रहा था। लेकिन बहुत सारे जो निकाय में प्रवेश किए हैं अभी नए पंचायत के लोग, उनको भय था कि हमारे नगर निकाय में लेगा, हमें सिर्फ टैक्स वसूली करेंगे और हमें कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करा।
दिया जाएगा। तो मैं उन तमाम क्षेत्रों के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार हमने आपसे वादा किया था कि अगर नगर निगम के क्षेत्र में आप आते हैं तो वो सारी सुविधा उपलब्ध करवाना हमारा दायित्व होगा। और वो क्षेत्र में हमारे प्रवेश किए हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको अगर कंबल की आवश्यकता है तो मेरा आग्रह होगा कि मेरे आवास पर आकर आप लोग कंबल प्राप्त कर सकते हैं, और आवास की आवश्यकता है तो उसका भी आवेदन हमें लाकर दें ताकि हम आपको आवास भी मुहैया करा सकें। पानी की सुविधा की जहाँ दिक्कत है वहाँ हम लोग दें ताकि हम उन क्षेत्रों को सर्वे कराकर पानी भी उपलब्ध करा सकें। बक्सीडी पंचायत के बसेरिया ग्राम में एक स्पैन पुलिया का शिलान्यास विधायक निर्भय कुमार सहवादी के हाथों किया गया। मौके पर कई प्रमुख लोग मौजूद थे। अनाप्त विधि के तहत बक्सीडी पंचायत के बसेरिया ग्राम में बुधवार को एक स्पेन के पुलिया का शिलान्यास सदर विधायक निर्भय सहवादी के द्वारा किया गया। मौके पर जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, भाजपा नेता संजय कुमार सिंह, मीडिया प्रभारी प्रकाश दास, अनूप सिन्हा, गोपाल शर्मा, दीपक स्वर्णकार, असगर अंसारी, मनोज दास, गुड्डू कुमार समेत कई स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद थे। यहाँ विधिवत रूप से शिलान्यास कार्य सम्पन्न कराया गया जिसके बाद स्थानीय लोगों में इसको लेकर खुशी देखी जा रही है। गिरिडीह का विधायक कैसा हो? भाई सवाल कैसा हो? बताया गया कि 10,09,300 के लागत से बनने वाली इस पुलिया के निर्माण से स्थानीय लोगों को काफी सहूलियत होगी, वहीं पास के विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी सुविधाएं बढ़ जाएंगी। ये जगह है और इसमें पुल होना आवश्यक है, नहीं तो बच्चे नहीं आ पाते पढ़ने के लिए। ये दलित बहुल क्षेत्र है, इस चीज को देखते हुए मैंने अविलंब अनाबत की राशि से उसकी स्वीकृति हेतु उपायुक्त को स्वयं मैंने अपने हाथों से दिया, और उपायुक्त महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इस पुल निर्माण की स्वीकृति उन्होंने देने का काम किया। दरअसल अनाबत की राशि से ऐसे छूटे हुए जो भाग हैं वैसे ही काम कराने का प्रावधान है, और इसका एक बार बहुत बड़ी राशि उच्च स्तरीय पुल की इसका NREP ने दे दिया था। मैंने उसको पुनः उसको रिवाइज करने के लगभग 10 से 11 लाख रुपए के अंतर्गत इस पुल का निर्माण होना है, और समय पे इस पुल का निर्माण सही ढंग से संवेदकों को कराने की आवश्यकता है कि पहले इस पुल का शुभारंभ कर दिया जाएगा ताकि स्कूल जाने वाले स्कूली बच्चों को कोई किसी किस्म की असुविधा नहीं हो, यहाँ के ग्रामीणों को भी इसका उचित लाभ मिले। इसके लिए ऐसे सुदूर और घने दलित आबादी वाले क्षेत्र में इस पुल को देने का काम किया है, और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमारी राज्य सरकार भी ऐसे रिमोट एरिया में विकास के काम को करा रही है, और सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बड़ी राशि और अपेक्षा है कि सरकार गिरिडीह जिले की बड़ी आबादी को देखते हुए। सरिया थाना में ब्लास्टिंग का मामला लगातार तुल पकड़ता जा रहा है, जनप्रतिनिधियों ने इस पर गंभीर जांच की मांग की है। बॉम्ब डिफ्यूज करने के दौरान सरिया थाना में हुई ब्लास्टिंग का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। जनप्रतिनिधि लगातार इस मामले पर गंभीरता से जांच की मांग कर रहे हैं। घटना के बाद बगुदर विधायक नागेंद्र महतो, पूर्व विधायक विनोद सिंह ने थाना परिसर में विस्फोटक निस्तारण पर सवाल उठाया था। इस बार गिरिडीह विधायक निर्भय सहवादी ने भी घटना पर सवाल खड़ा कर दिया है। इस बाबत श्री सहवादी ने मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि मामला संवेदनशील है, पुलिस विभाग को तत्परता से इसकी जांच करनी चाहिए। विगत दिनों सरिया में जो घटना घटित हुई, बहुत पहले से बम वहां पे रखा हुआ था, उसको डिफ्यूज करने के लिए जो पदाधिकारी वहां बुलाए गए, उसमें जो बम डिफ्यूज करने के लिए एक्सपर्ट जो थे कुरैसी, पता नहीं किस लापरवाही से वो बम डिफ्यूज कराने के क्रम में विस्फोट हो गया, और विस्फोट होने के बाद जो उनकी मृत्यु हुई, उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार निश्चित रूप से इसमें जांच बैठाए, सबसे पहले कि किन कारणों से वो इतने एक्सपर्ट आदमी जो बम हजारों बम को उन्होंने डिफ्यूज किया और कोई क्षति नहीं हुई, लेकिन इसमें किस लापरवाही की वजह से ये ऐसी दुर्घटना हुई है। मांग करेंगे सरकार पहले जांच कराए और मृतक परिवारों को उचित मुआवजा दे,
हम ये मांग करते हैं। इधर इस मामले पर मानवाधिकार सुरक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरशाद अहमद वारिस एवं माले नेता राजेश सिन्हा ने भी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की आह्वान किया है। सरिया थाना की घटना बहुत दुखद घटना है। मैं इस घटने के शोक प्रकट करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि इन लोगों को परिवार को के लिए 1 करोड़ रुपया राशि और एक सरकारी नौकरी दिया जाए और इनके परिवार वालों को भरण पोषण के लिए एकदम तुरंत इन लोगों के परिवार को मदद किया जाए और मैं इनकी आत्मा को शांति के लिए दुआ करता हूँ। सरिया का घटना काफ़ी मार्मिक है। हम श्रद्धांजलि देते हैं अपनी पार्टी की तरफ से मरहूम शहीद अशरफ कुरैशी जी और महेंद्र तुरी जी, चौकीदार महेंद्र तुरी जी को, और साथ साथ उनके परिवार को इस विपदा में सहने की ताकत दे ईश्वर, ये कामना करते हैं। और हम वो पुलिस प्रशासन जिन्होंने ये आदेश दिया कि इस थाना में ही आप डिस्पोज कर लीजिए बम, हम उनको कहते हैं कि ये करने की ज़रूरत क्या पड़ी, तो ये गलत है। और जो इसमें शामिल है, इस ऑर्डर में जो शामिल है, इस ऑर्डर को देने में जो शामिल है कि ऐसी स्थिति कैसे बनी कि जो थाना में ही बम का डिस्पोज किया जाए, तो ये गलत है। हम इसका विरोध करते हैं और जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो सरकार का नियम है कि एक मुआवजे के तहत जो बेहतर से बेहतर मुआवजा हो, एक नौकरी हो, जो जो शहीद हुए हैं और जो घायल हुए हैं उनके उचित इलाज हो और भविष्य में ऐसी घटना ना दोहराई जाए, इसलिए इस पर अलर्ट रहने की जिम्मेदारी बनती है। जमुआ के सीआरटीआर में जनता की आवाज नामक संगठन के बैनर तले मंगलवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर जन समस्याओं के समाधान पर गहन चर्चा की गई। जनता की आवाज संगठन द्वारा जमुआ के सियाटाड़ में मंगलवार को विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय जनसभा का आयोजन किया। जनसभा में अमूमन दलों के नेता एवं समर्थक जुटे। नवडीहा को प्रखंड बनाने व जमुआ को अनुमंडल बनाने की लड़ाई सब मिलकर लड़ने एवं क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए आपसी एकता की बात वक्ताओं ने की। मौके पर प्रवक्ता उमाशंकर चरण पहाड़ी, असगर अली, अनु सेठ आदि ने कहा कि आम जनता की कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन पर सभी दल के लोगों को मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। साथ ही कहा कि बिजली की अत्यधिक बिल, बैंकों की मनमानी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर भी सभी को आगे आना होगा, तभी ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो पाएगा। कार्यक्रम को सुधीर द्विवेदी, रण बहादुर, मनोज हाजरा, ओम प्रकाश महतो, शैलेश सिंह, नंदलाल पांडे, कपिल वर्मा, गोपी किशन, रोहित दास, अजित रॉय सहित अन्य कई लोगों ने भी संबोधित किया व संचालन महेंद्र वर्मा द्वारा किया गया। सभा के समापन के बाद 65 असहाय लोगों को कंबल प्रदान किया गया। मौके पर सियाटार, चिलगा, गौरव, नवडीहा, चौरगत्ता, लताकी, मेढो, चपरखो, मलुआटार, कुरहो बिंदु के अलावे कई गांवों से सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। कोने कोने में जनता की आवाज पहुंचे और कोने झारखंड के कोने कोने में हम अपनी सेवा दे सकें। कंबल वितरण कार्यक्रम किया गया जिसमें लगभग 100 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इससे पूर्व भी हमने देवरी में भी हमारे समूह के द्वारा कार्यक्रम को संपन्न किया गया, वहां पर भी गरीब जरूरतमंदों को कंबल ठंड के मौसम में दिया गया। आने वाले दिनों में यह गिरिडीह जिला के सभी प्रखंड में इस तरह का कार्यक्रम करेगी और जनता को जोड़ने का काम करेगी। यह समूह जो है सो जनता को हित में देखकर बनाया गया समूह है। इसमें सभी धर्म, सभी जाति और सभी दल के लोग जुड़े हुए हैं और सभी का मानना है कि जन सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। और दिसंबर खत्म होने तक समूह के द्वारा कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा। अभी हमारे समूह का केंद्रीय कमेटी का गठन होना है। गठन होने के पश्चात यह झारखंड के विभिन्न जिलों में भी इस समूह को विस्तार के लिए वहां से लोगों को जोड़ा जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभ ले सकें और लाभ मिल सके। बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए पांडेडी मुखिया दिलीप वर्मा ने बुधवार को पांडेडी में कार्यक्रम आयोजित कर जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। कंबल पाकर स्थानीय लोग बेहद खुश नजर आए। ठंड ने अपनी दस्तक दे दी है। बढ़ी हुई ठंड को देखते हुए कई लोगों ने जरूरतमंदों के बीच कंबलों का वितरण करना शुरू कर दिया है।
इसी कड़ी में बुधवार को पांडेडी मुखिया दिलीप वर्मा ने अपने इलाके में एक कार्यक्रम आयोजित कर पहले चरण में करीब 100 जरूरतमंदों को कंबल उपलब्ध कराया। मौके पर भाजपा नेता एजाज अहमद सोनू, प्रदीप पासवान, पंचायत सचिव मनीरुद्दीन अंसारी, पूनम देवी, बसंती देवी, छोटी देवी समेत कई लोग शामिल थे। चलिए आगे पढ़िए, चलिए मसमात दूर की। चलिए मसमात बसंती और ये प्यारी दास। यहाँ कंबल वितरण के बाद मुखिया दिलीप वर्मा ने कहा कि पहले भी वे ऐसे सामाजिक कार्यों में तत्पर रहे हैं, आगे भी उनका इस तरह का अभियान जारी रहेगा। इधर स्थानीय लोगों ने कहा कि मुखिया जी का यह प्रयास सराहनीय है, निश्चित रूप से इनके इस पहल से जरूरतमंदों को राहत मिलेगी। प्रत्येक वार्ड सदस्य हमने 10-10 सूची मंगवाई थी, उसी के आधार पर हम लोगों ने कम्बल वितरण कर रहे हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो और भी कंबल उपलब्ध कराया जाएगा। मैं ठंड को देखते हुए वैसा हमारा निर्देश था कि जो भी सूची आए वो गरीब वैसे निसहाय लोगों का सूची नाम में आना चाहिए। मुझे खुशी है हमारे वार्ड सदस्यों ने वैसे लोगों का ही नाम चयन करके दिया है जिनको आवश्यकता है। ये लोगों को, गरीब जो लोग हैं जिनको जरूरत है, जिनको समस्याएं हैं, उन लोगों को चिन्हित कर कंबल का वितरण कराया है। निश्चित तौर पर कंबल वितरण से यहाँ के स्थानीय लोगों को ठंड से निजात मिलेगी और आने वाले समय में और कंबलों का वितरण की बात मुखिया जी ने कही है। निश्चित तौर पर राज्य की सरकार लगातार गरीब और असहाय लोगों के लिए सोच रही है, काम कर रही है और आने वाले समय में। श्री महावीर कुटिया मंदिर में जारी 5 दिवसीय सीताराम विवाह उत्सव के तीसरे दिन अखंड रामायण पाठ प्रारंभ किया गया। यह पाठ रोहिणी देवघर के आचार्यों द्वारा संपन्न किया जा रहा है। श्री महावीर कुटिया मंदिर में इन दिनों 5 दिवसीय सीताराम विवाह उत्सव का आयोजन जारी है। उत्सव के तीसरे दिन बुधवार को यहां अखंड रामायण पाठ की शुरुआत की गई। रोहिणी से आए 5 पंडितों द्वारा इसका अनुष्ठान संपन्न कराया जा रहा है। कार्यक्रम के आयोजक ने बताया कि गुरुवार को संध्या 6 बजे यहां सीताराम विवाह का धूमधाम से आयोजन किया जाएगा। शुक्रवार को हवन व प्रसाद वितरण के साथ विवाह उत्सव का समापन भी किया जाएगा। से अखंड रामायण 24 घंटे का शुरुआत हुआ। यह रामायण 11 आचार्यों द्वारा, जो इसमें रोहिणी के व गिरिडीह के 11 आचार्यों द्वारा लगातार 24 घंटे तक किया जा रहा है। यह श्री महावीर कुटिया मंदिर में आयोजित होने वाले 5 दिवसीय श्री राम विवाह उत्सव का दूसरा दिन है, जिसमें प्रथम दिन 24 घंटे तक पंचमुखी महादेव का रुद्राभिषेक हुआ। आज 24 घंटे का अखंड रामायण पाठ चल रहा है व कल संध्या 6:30 बजे से संगीत संध्या, श्री राम विवाह, जानकी कन्यादान व भव्य झांकी का कार्यक्रम हो रहा है। कभी इस पुल के ऊपर दिन भर चहल पहल रहती थी, वाहनों का शोर, लोगों की आवाजाही और नीचे कल कल बहती उसरी नदी इलाके को एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति प्रदान करती थी। लेकिन भारी बारिश के बाद यह पुलिया क्या क्षतिग्रस्त हुई, यहाँ की रौनक ही गायब हो गई।
एक तरफ कई दशक पुराना यह पुलिया अपनी बदहाली पर आठ आठ आंसू बहा रहा था, वहीं दूसरी ओर इलाके में भी वीरानगी पसर गई थी। इस पुल पर आवागमन बंद होने से सबसे ज्यादा प्रभाव सिरसिया क्षेत्र में पड़ा था। तेजी से विकसित हो रहे इस क्षेत्र की रफ्तार पर मानो अचानक ब्रेक लग गया हो। इस इलाके में लगातार कई शॉपिंग मॉल, कई अपार्टमेंट और अनेक छिटपुट दुकानें खुल गई हैं। वहीं गिरिडीह ब्लॉक बीएनएस डीएवी विद्यालय समेत कई प्रमुख गांवों तक पहुंचने वाला यह प्रमुख मार्ग होने की वजह से भी पुल का बंद होना दुर्भाग्यपूर्ण हो गया था। इस बाबत पुल से सटे सिरसिया, शीतलपुर आदि गांव के लोगों का कहना है कि पुल में आवागमन बंद हो जाने से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुल बंद होने से कई लोगों का व्यवसाय चौपट हो गया है। विभाग को इसकी सूचना थी कि पुल क्षतिग्रस्त है, उसके बाद भी इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं ढूंढा गया, क्योंकि हम लोग को आना जाना ब्लॉक है, कबीर ज्ञान मंदिर है, बेगाबाद का मुख्य रास्ता है, मैंने सारे तरह का परेशानियां इसी रास्ते से हो गया है। तो बच्चा ही पढ़ के जाता है, इधर से घूम के जाता है, इसलिए प्रशासन से मांग करते हैं कि अति से अति शीघ्र इसका मैंने कोई विकल्प ढूंढा जाए। इस बाबत में विधायक भी आए थे, सांसद को भी जानकारी इसके बारे में कि ये पुल को बनाया जाएगा नए सिरे से और नया पुल बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक इसमें कोई काम ना हुआ है और अभी तक ना कोई काम हो रहा। आने जाने में काफ़ी परेशानी है, सभी लोगों को काफ़ी दिक्कत है, खासकर छोटे बच्चों को जिनका स्कूल यहाँ नदी के पास बगल बगल में पंचवटी एक स्कूल है, आने में काफ़ी तकलीफ होती है। सारे लोगों को नया पुल होकर जाना पड़ता है, किसी का तबीयत भी खराब हो जाए तो उसको जाने के लिए अब गिरिडीह सोचना पड़ता है कि वो डॉक्टर से दिखाए, मजबूरी में या तो मरीज हो तो मर जाएगा या तो फिर कहानी भगवान। इधर इस संबंध में पीडब्ल्यूडी के कार्यपालक अभियंता का कहना है कि यह पुल अब इतना जर्जर हो चुका है कि इस पर आवागमन करना बड़े हादसे का सबब बन सकता है। पुल की मरम्मत के बजाय यहां नए पुल के निर्माण की जरूरत है, जिसकी कवायद शुरू हो चुकी है। भौतिक रूप से देखने पर ही स्पष्ट हो जाता है कि पुल कितनी दयनीय स्थिति में है, और आज के तारीख में जब नदी में पानी है तो उसको एक काउंटर फोर्स भी मिला हुआ है, और जिसके उसको खड़ा रहने में एक सहारा है। पानी का लेवल घटने पर वो काउंटर फोर्स भी उसको नहीं मिलेगा तो और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, गिरने की संभावना इसकी बढ़ जाएगी। और इस संबंध में उपायुक्त महोदय से एक संयुक्त टीम बनाकर जांच करने का निर्देश मिला था, जिसमें एसडीओ सदर, सीओ और कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण को कहा गया था कि जांच करके दें। तो जांच करके देख लिया गया, पुल इस लायक नहीं है कि उसको अधिकृत रूप से कोई या लिखित रूप से ई करे कि आवागमन बंद नहीं किया जा सकता है। आवागमन रोक देना निहायत ही ज़रूरी है, और इसीलिए दोनों तरफ रोक हेतु कंक्रीट का वाल, क्योंकि पूर्व में भी जब लोहे का बैरियर वगैरह लगाया जाता था तो उसको स्थानीय लोग या जो उस पर अपना आवागमन जारी रखते थे लोहे का बैरियर को काट कर हटा दिया जाता था। तो निर्णय लिया गया कि ऐसा एक वाल का निर्माण किया जाए जो कि आसानी से वो, जब इस पुल की दयनीय स्थिति को देखते हुए एक दूसरा अल्टरनेट 400-500-600 मीटर की दूरी पर बना दिया गया, और यहाँ पर भी बनाने हेतु प्रस्ताव लोग दिया गया है। और पुल माने परमानेंट चीज़ है, इसको बनाने हेतु
सुदृढ़ बनानी होती जो ज़्यादा समय तक लंबे समय तक चले, तो फाउंडेशन के लिए ग्राउंड के नीचे का भी सर्वे करना उपयुक्त रहता है या किया जाता है। ऐसी स्थिति में बगल में ही जो बनाया गया तो सारा स्थिति को देख करके प्लानिंग एंड इन्वेस्टिगेशन टीम आई रांची से, जगह जगह पर बोर होल करके जमीन के नीचे का स्टाटा देख करके उस जगह को उपयुक्त पाया और वहाँ बनाया। फिर भी यहाँ पर बनाने हेतु प्रस्तावित है, माने इसी अलाइनमेंट पर बनाने हेतु इसको डिमोलिश करके इसी अलाइनमेंट पर बनाने के लिए यहाँ से प्रस्तावित है निकट भविष्य में। अब चूँकि बड़ा काम है, लंबा काम है, ज़्यादा दिनों तक चलने हेतु उसको बनाना है तो समय तो उसमें लगता ही है, उसकी हर दृष्टिकोण से सर्वे किया जाता है, उसके निधि का ये देखा जाता है, उसके अप्रोच का ख्याल रखा जाता है। बहरहाल इस पुल के बंद हो जाने से एक बड़ी आबादी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कार्यपालक अभियंता की माने तो पुल पर आवागमन जारी रखना खतरनाक साबित हो सकता है, ऐसे में जिला प्रशासन को जनता की दिक्कतों को देखते हुए जल्द कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। सहयोगी डिंपल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज, गिरिडीह। गिरिडीह प्रखंड मुख्यालय में शौचालय का भारी अभाव है। शौचालय नहीं रहने से यहां आने वाले लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। विभिन्न पंचायतों में शौचालय निर्माण कर पंचायतों को ओडीएफ घोषित करने वाला गिरिडीह प्रखंड मुख्यालय परिसर में आम शौचालय का भारी अभाव है। आम लोगों के लिए शौचालय उपलब्ध नहीं रहने से उन्हें यहाँ काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विशेषकर प्रखंड मुख्यालय आने वाली ग्रामीण महिलाओं को काफी फजीहतों का सामना करना पड़ता है। कहने को तो यहाँ शौचालय बना हुआ है परंतु रख रखाव के अभाव में वह उपेक्षित हो चुका है और उपयोग के लायक नहीं रह गया है। महिलाओं को तो विशेष परेशानी होती है, हमें भी यहाँ देखे बहुत सारी महिलाएं इधर उधर भटक रही है, कोई शौचालय का व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक दिन यहाँ कम से कम 500 महिलाएं तो ज़रूर आती होगी कुछ ना कुछ काम से, और हमारे शहर के उपायुक्त महोदय, प्रखंड के विकास पदाधिकारी, प्रखंड के अंचल पदाधिकारी, सभी लोग ODF का बहुत विशाल रूप से प्रचार कर रहे हैं कि हमारा गिरिडीह शहर जो है वो ODF हो गया है। लेकिन मुझे ये स्थिति देख करके, इस प्रखंड कार्यालय की स्थिति देख करके हमें ऐसा नहीं लगता है कि शहर को ODF कहा जा सकता है। जो मुख्यालय है, जहां प्रखंड का मुख्यालय है, जहां अंचल का कार्यालय है, वहां पर एक छोटी सी व्यवस्था शौचालय की नहीं। हम लोग तो पुरुष हैं फिर भी कहीं भी कर लेते हैं, लेकिन यदि अति लघु शंका की बात हो तब तो काफ़ी कठिनाई है। यहाँ के स्टाफ तक लोगों का कहना है कि हम लोगों को घर जाना पड़ता है, और लघु शंका तो खैर पुरुष कहीं भी कर लेते हैं लेकिन महिलाओं के लिए आज के दिन में वो संभव नहीं है। जैसा कि प्रचार किया जा रहा है महिलाओं के लिए शौचालय बनवाया जा रहा है, लेकिन हमें कहीं अभी तक ये नहीं दिखा कि यहाँ पे कहीं कोई शौचालय की व्यवस्था है। यहाँ पे तो शौचालय नहीं है और शौचालय बहुत गंदा है, कचरा उचरा है, वहाँ शराब का बोतल रखा हुआ है। ख़ास तौर पर महिलाओं को बहुत दिक्कत है, यहाँ पे शौचालय नहीं रहने के कारण में काफ़ी झाड़ी मुड़ी भी है, उधर बहुत दिक्कत है। हम मांग करते हैं
कि गिरिडीह प्रखंड में अब एक शौचालय, बढ़िया शौचालय हो, जिसमें सभी को, चाहे महिला हो चाहे जेंट्स हो, उसके लिए एक सुनिश्चित करें। नहीं, ऐसा बात नहीं है, शौचालय था और शौचालय कुछ व्यक्तिगत कारणों से वो कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ के प्रशासन को देखना था यार, और पदाधिकारी का जिम्मेवारी होती है। अंत में नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नगर परिषद कार्यालय में नप अध्यक्ष दिनेश यादव ने बैंकर्स के साथ की बैठक। शहरी बेरोजगारों को लोन देने का लिया गया निर्णय। दिसंबर में लगेगा रोजगार मेला। सरिया ब्लास्टिंग घटना पर शोक जताने वालों का तांता जारी। विधायक निर्भय शहबादी समेत कई ने की घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग। मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की लगाई गुहार। बसेड़िया गांव में विधायक निर्भय शहबादी ने किया पुलिया का शिलान्यास। 10 लाख की लागत से बनेगी पुलिया। शिलान्यास से ग्रामीणों में भारी खुशी। और कुटिया मंदिर में धूमधाम से जारी है सीताराम विवाह उत्सव। तीसरे दिन अखंड रामायण पाठ किया गया प्रारंभ। वातावरण हुआ भक्तिमय। खबरों के साथ, तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।